Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे क्लास से ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा और मैं वादा करता हूँ फ्रेंड्स कि अगर रेगुलर आपने हमारा क्लास हमारा वीडियो देखा तो आप एक दिन इंग्लिश बोलना ज़रूर सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, इन द लास्ट क्लास आई टॉट यू अबाउट द यूज ऑफ एडवर्ब इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. और इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू द नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके फ्रेंड्स, तो इससे पहले हम एक वीडियो देखते हैं, कन्वर्सेशनल वीडियो. I had somewhat suddenly, I remember, and I went from there. I told you to wait for me, but you, at least, you should have called me. Sorry, yaar. It's okay. Had the train started before you reached the station that day? Yes, that day I had missed the train. Then what did you do? Had you come back to house? No, I went by the next after 2 hours. That's why one must be punctual. Yes, you are right. तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से ये बच्चे बात कर रहे थे इंग्लिश में, और इसमें ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस थे और इंटरोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स शामिल थे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसी तरह के सेंटेंसेस पर विचार करेंगे, सीखेंगे. तो चलिए आइए. मेरे आने से पहले वह नहीं गया था. मेरे आने से पहले वह नहीं गया था. तो ही हैड नॉट गोन बिफोर आई केम. सिंपल है फ्रेंड्स, हैड के बाद नॉट लगाना है. नेगेटिव अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं. सिंपल है. अभी इंटरोगेटिव लेते हैं. इंटरोगेटिव में क्या होगा कि क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था. तो ये इसमें जो इंटरोगेटिव होता है ना, इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाता है बनाते वक्त, क्योंकि हम क्या पहले ही लगाते हैं. बट हम बनाते वैसे नहीं है जिस तरह से सेंटेंस दिख रहा है. तो क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो हम यहाँ पर ये सेंटेंस लेंगे. हम ये सेंटेंस पहले बनाते हैं तो हम इंटरोगेटिव भी वहीं से शुरू करेंगे. तो हैड ही गॉन बिफोर आई केम. ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ. क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो मतलब क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था. जो हम फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं इसमें, उसमें ही हम इंटरोगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, न कि हम मेरे आने से पहले. कई सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे ऐसे बनाते हैं कि हैड आई कम बिफोर ऐसा लिख देते हैं, या ही हैड गोन, फिर पूछते हैं कि सर आई इसमें कैसे हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. इंटरोगेटिव में क्या तो पहले ही लगेगा, बट आपको जो सेकंड वाली सेंटेंस है उसको इंटरोगेटिव से बनाना है, और इसको जो कहते हो जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाएंगे. ठीक है फ्रेंड, तो क्या उसके पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी. क्या उसके पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो यहाँ पे गाड़ी खुल चुकी थी सेकंड सेंटेंस है, तो उसको हम इंटरोगेटिव लेंगे. हैड द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही केम. रिस्ट, पहुंचना में से रिस्ट होता है,
टूरिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या उसके पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी? तो हैड द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रिच्ड। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन और लेते हैं। मेरे आने से पहले वह क्यों जा चुका था, या मेरे आने से पहले वह क्यों चला गया था? तो व्हाई, इसमें भी सेम थिंग, हम यही सेम क्वेश्चन वर्ड शुरू करेंगे। व्हाई हैड ही गोन बिफोर आई केम। ठीक है फ्रेंड्स, तुमने कैसे पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था? तुमने कैसे पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था? तो हाउ हैड यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। तो अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में किस तरह से बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते मैं फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूँगा उन दोस्तों से, जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।